कराची में कौमी असम्बली के हलका एन ए 249 में बदतरीन शिकस्त पर पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली असलम खान बरस पड़े। कहा जलील होकर पांचवें नंबर पर आने की एक ही वजह है, फैसल बावरा ने बल्दिया को कुछ नहीं दिया, किसी रुकने कौमी असम्बली की कोई इज्जत नहीं। गवर्नर हाउस और दो विफाकी वजीर पूरे कराची को चला रहे हैं। एन ए 249 में बदतरीन शिकस्त, पीटीआई के एमएनए असलम खान बरस पड़े। ऑडियो पैगाम में खरी खरी सुना दी, जिस तरह से हम जलील हो के हम जो हारे हैं, पांचवें नंबर पे आए हैं, इसके बॉस इसके एक ही रीजन है, एक रीजन। देखें 2023 में जो है ना वो चेंज के लिए नहीं मिलेगा आपको वोट, वो काम पे मिलेगा। तो वो जो 2018 में वोट पड़ा वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो खान साहब को पड़ा। असलम खान का कहना है जलील होकर पांचवें नंबर पर आए। 2018 में एन ए 249 से मुंतखब होकर फैसल वावड़ा पानी के वजीर और सेनेटर बने, लेकिन बल्दिया के लिए कुछ नहीं किया। उस हलके से हमारे एमएनए और अब जो सेनेटर हैं और जो माशाल्लाह वजीर भी हैं, तो वो बने, उनको वो जीते और वजीर भी बन गए, और वो भी पानी के वजीर। हमारे वजीर साहब ने फैसल वावड़ा जिनका नाम है, उन्होंने इस पौने तीन सालों में अपने हलके के लिए क्या किया। असलम खान के मुताबिक किसी रुकने कौमी असम्बली की कोई इज्जत नहीं, गवर्नर हाउस और दो वफाकी वजीर पूरे कराची को चला रहे हैं। शिकस्त के जिम्मेदार ये तीन लोग हैं, बाकी दो साल में कुछ ना किया तो एक सीट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा।